महंत दयानंद गिरिजी महाराज की फलोदी से जसोल नंगे पैर पैदल यात्रा पूर्ण। फलोदी पहुंचने पर लोगों ने किया उनका भव्य स्वागत। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के उद्देश्य को लेकर संकल्पबद्ध महंत दयानंद गिरिजी महाराज जूना अखाड़ा द्वारा समय समय पर हवन व अनुष्ठान किया जाता रहा है। ऐसे में इस बार महाराज ने फलोदी से माता रानी भटियाणीसा के दरबार जसोल तक की नंगे पैर पैदल यात्रा तय कर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने का व गौ वंश का संरक्षण सुनिश्चित करने की परिकल्पना को लेकर जसोल पहुंचकर माता रानी भटियाणी के दर्शन किए। फलोदी पहुंचने पर महाराज का स्थानीय भक्तजनों द्वारा शहर के नागौर रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर में भव्य स्वागत किया। पैदल यात्रा के दौरान महाराज दयानंद गिरिजी महाराज के साथ पार्षद गोपाल सिंह सहित कई श्रद्धालु भी फलोदी पहुंचे। जय गो माता, जय गोपाल। मैं महंत दयानंद गिरि जूना अखाड़ा से, मैं 12 तारीख से शाम को फलोदी से जसोल माता जी के धाम नंगे पैर पैदल यात्रा की और मेरा लक्ष्य था पैदल यात्रा का कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित हो, गौ संरक्षण हो, विश्व का कल्याण हो। समय समय पर अनेक अनुष्ठान में गौ माता की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित हो, इसी लक्ष्य को लेकर करता हूँ। तो यही मेरा उद्देश्य था और मैं माँ के दर्शन करके माँ से भी यही प्रार्थना की कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित हो। नंगे पैर जब आप गए तो उस थोड़ी समस्या भी आई होगी। हाँ, नंगे पैर चलने में तो काफ़ी समस्या ही, हम रात और दिन जिस तरह से चलते रहे क्योंकि सफ़र 5 दिन में तय करना था क्योंकि श्राद्ध पक्ष लग रहा था और माँ की बड़ी असीम कृपा रही गौ माता की और आदिशक्ति की, जल्द से जल्द हमें पहुँचा दिया